हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज जाएंगे हम बगीचे के लिए। जो मैं बता रहा था, कुछ एक सब्जी रह गई थी लगाने के लिए ना, वो लगाते हैं, ठीक है? तो बने रहिए। ये यहाँ पर गाय को घास रखा हुआ है मॉर्निंग में। एक सूखा घास है और दूसरा हरे वाला है, जो ही पेड़ से काट के लाया उन्होंने। देखते हैं सब्जियाँ क्या बोलता है। लहसुन की सब्जी कितना ग्रोथ हो रहा है, किस तरह से ये ग्रो कर रहा है, पानी देने का कुछ असर हुआ या नहीं। ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है कि अच्छा ही असर हो रहा है। मैं थोड़ा सा हल्का, थोड़ा ये पतला हो गया, मतलब ना थोड़ा नज़दीक लगाना चाहिए था एक्चुअल में। ये ना निंदाई करने को होगी इस वाले बेड में। इस साइड पानी की कमी थी दोस्तों, इसलिए ये नहीं निकल रहा था। अभी हल्का देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी लहसुन निकलना शुरू हो गया ना। बाकी गाइस, ये जो था पानी लगाने का इतना फ़ायदा हो गया कि चलो, जो ये जहाँ पे सूखा था ना, वहाँ पे बीज नहीं निकल रहा था लहसुन का, तो अब बढ़िया से निकल रहा। मैं देख रहा था सुबह भी ना, तो अब जल्दी से ये निकल जाएगा। फिर जैसे ये लहसुन निकल जाएगा, फिर हम निंदाई शुरू कर देंगे, मतलब ना। तो गाइस, ये वाला स्प्रिंकलर सेट कर देते हैं हम पहले ना, उन्होंने चेंज नहीं किया होगा यहाँ पर। ये अब जाएंगे यहाँ से, इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा निकल रहा है पानी के साथ में यहाँ पर। चलिए सेट करते हैं इस पाइप को दोबारा से। ये देखिए गाइस, अब चल पड़ा है स्प्रिंकलर। ये पीछे हमारे चार साहब है। चलो जी, दिखाते हैं आपको अपनी रीका का। ये हमने पानी बंद कर देना है, रोड पानी खाता है जरूरत है। तो गाइस, पिछले कल हम मार्केट गए हुए थे, कुछ एक सीड रह गया था लाने के लिए ना, जो बीज रह गया था। मैं बता रहा था आपको कि जो हमने बगीचे में जो है, कुछ एक जगह है वहाँ पर हम ये मूलियाँ लगाएंगे, ठीक है? तो ये कुछ एक क्वालिटी की हमने लाई हुई है, कम पड़ जाएगी तो और ला देंगे। कंपनी है ये एग्रो सीड्स। बाकी दोस्तों, थोड़ा सा हमने पालक लाया हुआ है, ये भी लगाएंगे हम बगीचे में। सब्जियों की डिमांड बहुत है, बाकी आपको पता है सब्जियों का रेट बहुत होता है, तो अपने खाने के लिए लगा रहे हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं काम शुरू। ये जो दोस्तों साइड साइड में आपको दिख रही है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर वाला एरिया, इसमें लगाएंगे हम सब्जी ना। अभी तो ये है गाइस हमारा बीज, मूली का ये बर्तन, बाकी ये हमारी गिलनी होती है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इस वाले एरिया में, ठीक है? पत्थर हटा देते हैं, धूप जबरदस्त शुरू होगी दोस्तों यहाँ पे ना। सुबह थोड़ी ठंड होती है, इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है कोट वाला एरिया। तो दोस्तों, ये देख लीजिए मूली का बीज कैसा होता है। अब हम इसको लगाएंगे, क्योंकि विंटर और आपकी जो समर होती ना, दोनों के लिए अलग अलग बीज होता है, मतलब मूलियों का ना। गर्मियों में अलग से मूलियाँ लगा सकते हैं आप, सर्दियों में लगा सकते हैं, 12 महीने मूलियाँ लगती हैं, मतलब ना जो सैलेड वगैरह होता है। बस तो गाइस, ये आप उंगली के साथ भी ये डाल सकते हो लाइन ना इसमें, बट मैं जो है इस तरह से मैं बीज के लिए लाइन तैयार करूँगा, जहाँ पर घास पत्थर है उसको निकाल देंगे साथ साथ में।
तो दोस्तों इस तरह से हम ये बीज लगा रहे हैं इसमें ना। तो अब इनको हम बंद कर देंगे दोस्तों यहाँ पे ना, जो ये हमने बीज लगाया हुआ था घास पत्थर है उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी हम बंद करने वाले हैं यहाँ पे। ठंड हो गई है यार गाइस आजकल बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं। हाँ बड़ी भाई ठंड होने लग गया, और इनको काम धंधा कुछ नहीं है, ये यहाँ मूली के बीज डाल रहे, खानी इन्होंने है नहीं, बस डाल के केले रखनी है, बेचेंगे ये पैसा कमा रहे हैं, अंधा पैसा। लेकिन आपके पास है ना अंधा पैसा, देखेंगे ना यार, मुझे पता, आई नो, फेंक देनी है ऐसे। फेंक नहीं दे रहा, लगा रहा हूँ वैसे भी, कितना दूर ठीक है, नजदीक लगाऊं। आप इसको फेंक भी दोगे ना फिर भी लग जाएगी, वेस्ट तो ना करना रहा है बीज, अगर सारा का सारा निकल गया ना फिर गुच्छे निकल जाएंगे मूली के, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता ना। तुझे क्या पता, इतनी नजदीक लगाई आपने ये, आपको पता है मूली का साइज कितना बड़ा होता है, ये दोनों मूलियां चिपक जाएगी आपस में, दो मूली बन चल कैसे करती है काम। इतना आराम से लगाएगी ना तो 6 महीने लग जाने मार को यहाँ पे, पता तुझे लोगों की मूलियां ना खाने को तक तैयार हो जाएगी, हम मड़े यहाँ पर क्या ये मूलियां लगाने बैठे हुए, लगेगी तो लगेगी ना एटलीस्ट कम से कम। ये बहुत दूर दूर से आए किसान बोलना हमारे पास, अभी मिलाते हैं आपको हम एक कॉलेज जाते हुए किसान से। ये देखो कॉलेज जा रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प कर दे, कॉलेज जा रही थी, इन्होंने बोला मुझे मेरी हेल्प कर दे, तो मैंने अपना बैग बुक सब साइड में रखा और अब मैं यहाँ पे मूली लगा रही हूँ। तो इस रास्ते से आप कभी ना आए भाई प्लीज, ये बहुत बुरे लोग है, ये बहुत बुरा। तो गाइस अभी बढ़िया धूप लग रही है, तो अभी जाएंगे हम यहाँ से ना, वो वाला एरिया तुमने कवर कर दिया वहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको, ये साइड भी लगा दी हमने, ये कुछ यहाँ पे एरिया में लगा दी हमने, थोड़ा नीचे जाएंगे वहाँ पे लगाते हैं, बाद में धूप थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले एरिया में लगाएंगे अब। अभी थोड़ी और आगे चलते हैं दोस्तों ना, यहाँ पे लगा देते हैं जो बैक साइड पोर्शन है वहाँ पे, तो हमने ऑलमोस्ट लगा दिए सारे ना ये बीज जो था, अभी इस साइड देखते हैं थोड़ा सा ना। अभी इन वाले एरिया में लगाएंगे यहाँ से उस साइड ना नीचे तक। ये देखो गाइस ये वही किसान है जो अभी तक मैं यहाँ खेती बाड़ी कर रही थी, लेकिन अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, बने रही वाले चैनल के साथ, ऐसे किसान है देखो देश में। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं घर की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस हम ये बंद कर रहे हैं यहाँ पे ना जो बीज लगाया था हमने यहाँ पे, इसको आप अच्छे से बंद करिएगा नहीं तो चींटियाँ वगैरह बीज ले जाएंगी यहाँ पे, और सूखे में बीज ना लगाएं क्योंकि नमी का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बीज को अंकुरित होने में निकलने में टाइम लग सकता है आपका ना। तो जैसे यहाँ पे नमी अच्छी है
तो गाइस अभी 10:30 बज रहे हैं, चलते हैं अब घर की ओर। 10 अक्टूबर का दिन है और आगे का प्लान करते हैं। और ये दो कारीगर में बड़ी दूर से लाए हैं। तो गाइस आज गए थे हम मार्केट की ओर और काफी सारा ट्रैफिक मिला आज हमारे को बुंतर मार्केट में ना। और अभी मैं फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। बालों की धज्जियां उड़ी है, देखा होगा आपने। तो गाइस अभी अंधेरा बहुत हो चुका है, थोड़ा सा मीटर का काम था करने को ना, वो सामान सुन लेने गए थे मार्केट की। और बाकी आज बगीचे का काम ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं है कुछ। तो गाइस फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और आज का दिन भी बिजी था काफ़ी, मतलब के तो मार्केट गए हुए थे, बाकी थोड़ी देर सुबह हमने काम किया और अभी घर पहुँचा हूँ। तो अभी चाय पीते हैं, बाकी सेठ और मैं दोनों साथ में थे आज मार्केट की ओर गए हुए थे। अभी खाना बनने में टाइम लगे, इसलिए चाय के साथ हम इन फुलवड़ियों को खाते हैं। चाय बढ़िया बनी है पर थोड़ी जैसी मीठी हो गई आज, है ना। मैं एक्चुअल में थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ गाइस, अपना अपना टेस्ट होता है। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, सब्सक्राइब करें। कल हम एक नया ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया वाला, तब तक चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।